हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन की कायराना हरकत से पूरे जोधपुर में आक्रोश, शहीद भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान। सीमा पर चीनी सेना की ओर से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के विरोध में पूरे देश के लोगों में गहरा आक्रोश है। चीन के इस हमले के खिलाफ जोधपुर के कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी द्वारा शहीद स्मारक के पास चीनी प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए चीन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के जोधपुर महानगर मंत्री प्राण जोशी ने बताया कि चीन की कायराना हरकत की विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। चाइना को अब समझ जाना चाहिए कि ये भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, ये उभरता भारत है। ये चाइना जैसे देश को उसकी हद में रहना अच्छे से सिखा सकता है। वहीं मानवाधिकार संरक्षण संस्थान ने आर्मी कैंपस पृथ्वीपुरा चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय जिला शाखा जोधपुर द्वारा परमवीर मेजर शैतान सिंह पावटा सर्कल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर जिला यूथ कांग्रेस ने रेजिडेंसी रोड स्थित शहीद स्मारक पर चाइना द्वारा किए गए काराना हमले में शहीद जवानों के सम्मान में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान महिला कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर दिव्या गहलोत की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज के आह्वान पर वार्ड नंबर 46 भगत की कोठी में दीप प्रज्वलित कर गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।